अब आप जो स्टोरी आगे सुनने वाले हैं वो स्टोरी किसी भी हॉलीवुड हॉरर मूवी से कम नहीं होने वाली, बट इज द ट्रू स्टोरी। रॉबर्ट विलियम पिक्टन, जिसका जन्म 1949 में कनाडा में हुआ था। रॉबर्ट और उसकी पूरी फैमिली पिक फार्म में रहते थे, क्योंकि पिक फार्मिंग रॉबर्ट का फैमिली बिजनेस था और उसकी फैमिली लोगों को पिक का मीट सेल करती थी। इतना ज्यादा टाइम फार्म पर बिताने की वजह से रॉबर्ट की बॉडी में से एक अजीब सी स्मेल आती थी, जिस वजह से उसके क्लासमेट उसे काफी बुली करते थे और पिक कहकर बुलाते थे। और यही वजह थी कि रॉबर्ट के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, जिस वजह से छोटे से ही रॉबर्ट अपना ज्यादातर टाइम पिग्स की मरी हुई बॉडी और ब्लड के बीच बिताता था। 1970s के बाद रॉबर्ट के पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके कुछ टाइम बाद उसके भाई डेव ने एक मीट शॉप और एक पिगी पैलेस नाम का बार स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ऑन पेपर बार का सारा प्रॉफिट चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। बार के अंदर इलीगल वेपन सप्लाई, ड्रग्स, अल्कोहल और भी कई ऐसी चीजें होती थी जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, और ये सारी चीजें पिगी पैलेस के अंदर नॉर्मल थी। पिगी पैलेस बार से सिटी के काफी बड़े से बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जुड़े थे, जिस वजह से शायद पुलिस को इन सभी चीज की जानकारी होने के बाद भी पिगी पैलेस पर कभी रेड पड़ी ही नहीं। एंड यही वो टाइम था जब उस जगह से काफी सारी लड़कियां अचानक गायब होना शुरू हो गई थी, और पुलिस ने भी इन सब मिसिंग गर्ल्स को कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लड़कियां रेड लाइट एरिया से थी और कई इलीगल कामों में शामिल भी थी। बट 1999 में पुलिस के खबरी ने पुलिस को यह बताया कि रॉबर्ट के पिक फार्म पर जो लिन नाम की लड़की काम करती है, उसका कहना है कि उसने रॉबर्ट के पिक फार्म पर एक लड़की की डेड बॉडी देखी है, जिसे फार्म पे काम करने के लिए नया नया अपॉइंट किया गया था। पर जब पुलिस ने लिन को पूछताछ के लिए बुलाया तो लिन ने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, क्योंकि रॉबर्ट ने उसको इतना ज्यादा बुरी तरीके से डराया था कि वो पुलिस के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। 2002 में पुलिस में न्यू ऑफिसर्स की भर्ती के बाद रॉबर्ट के पिग फार्म और पिगी पैलेस पर रेड पड़ गई, जहां पे उन्हें कई सारे स्केलेटन्स, वेपन्स, क्रिमिनल एक्टिविटी वाली कई सारी चीजें, ड्रग्स और ऐसे भी काफी सारे केमिकल मिले, जिनसे रॉबर्ट जिन भी लड़कियों का अपहरण करता था उन लड़कियों की बॉडी में वो यही केमिकल डालकर उन्हें मार दिया करता था। रॉबर्ट ने बताया कि वो जिन भी लड़कियों को मारता था उन लड़कियों का मीट वो अपने फार्म पर पले हुए पिगीज को खिला देता था, और वही पिगीज का मीट वो आगे लोगों को खिलाता था, और बचा हुआ मीट वो पिगी पैलेस में आए गेस्ट को खिला देता था। रॉबर्ट ने जेल में अपने सेलमेट को ये कन्फेस किया था कि उसने 49 मर्डर्स किए हैं, जो कि ऑलरेडी एक पुलिस वाला था, पर पता नहीं क्यों और कैसे कि रॉबर्ट को सिर्फ 6 कत्लों का दोषी मानकर उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और उसके भाई और उसके साथ काम करने वाले हर एक आदमी को छोड़ दिया गया जो भी इन सारी चीजों में शामिल था।